नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलोदर, आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, इफ sin u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा प्रूव दैट। तो ये हमारा sin u ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है दोस्तों, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। मतलब u वाले फंक्शन को पार्शली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ पार्शली टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करना, उसी तरह y के u वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y के साथ मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो आना चाहिए इसका वैल्यू क्या, जीरो। ये हमको प्रूव करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर sin का साइन देखे, जो हमारा क्वेश्चन है उसको करते हैं नोट। तो sin u इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन होता। तो पहले इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट। जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन यू का क्या हो जाता है, कोस यू, और यू के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, इसलिए यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, उसी तरह यू बाई वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा ये वाला। तो इसको करते हैं होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर। फिर क्या करते हैं दोस्तों, वी को रखते हैं, यू को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू के रिस्पेक्ट मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में यू वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने की वजह से एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। सिर्फ डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2x, फिर बीच में माइनस का साइन। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू वाला टर्म रहेगा, फिर वी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यू इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू 2x, ये हो जाता है। अब इसको जब जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ये कोस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और उसके बाद कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाता है 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, और ये कोस यू इंटू में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव ये टर्म कैंसिल, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4x वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग बना देते क्या, इक्वेशन 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इक्वेशन 1 इसको बना दिया। उसी तरह अब क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स के साथ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिर्फ यहाँ चेंज क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा ही, कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक इसको क्या कीजिए कि इक्वेशन 1 इसको नहीं बनाते हम लोग, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि फाइनल टर्म ये आया। उसी तरह अगेन उसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, और जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसमें भी वही टर्म रहेगा, सिर्फ x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जैसे कि पिछली बार यहाँ पर 2x आया था तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन नहीं है तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2y, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ माइनस का साइन, ठीक उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2y। उसके बाद फिर करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस माइनस 2y का क्यूब आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर वाई, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2y का क्यूब होल डिवाइडेड बाई,
अब कोस यू किधर डिवाइड मिल जाता है, तो यहाँ कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या होता है, यहाँ नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाता है और इसको कर देते हैं हम लोग ऐड, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं वाई से मल्टीप्लाई, तो वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई ये क्या बन जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन जाता हमारा इक्वेशन टू। अब देखिए दोस्तों, नाउ अब इसमें ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड क्या करते हैं, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करते हैं, और इसको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। जब इक्वेशन वन और टू को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन वन क्या, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। इस वाले टर्म का वैल्यू हम लोगों को पता है, जो कि क्या था, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बीच में प्लस का साइन था, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। उसके बाद वाई वाला टर्म यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये ब्रैकेट, तो वाई वाला टर्म हमारा यहाँ पे था माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कोस यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया कैंसर, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया क्या हमारा प्रूफ, ये प्रूफ हमारा हो जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनत से वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।